अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं मुशहिद हैदर। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वह वेदर वेरिएबल्स एंड वेदर वेरिएशंस। वेदर की वेरिएबल्स क्या है, वेदर की वेरिएशंस क्या है, वो तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि वेदर किसे कहते हैं। एक्चुअली वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी शॉर्ट पीरियड में वहाँ का जो मौसम है उसे आप वेदर कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं ना, आप अपने विंडो से बाहर देखें, आप विंडो से बाहर देखेंगे आपको या तो सनी डे महसूस होगा या क्लाउडी डे होगा या रेनी डे होगा। ये सारी चीज़ें वेदर है। वेदर ना अनप्रिडिक्टेबल होता है, पता नहीं होता, फौरन चेंज हो जाता है। अब देखें सर्दियां पाकिस्तान में हैं, पूरी दुनिया में है, एक दिन इतनी सर्दी होती है, अगले दिन सूरज निकल आता और वो आग बरसा रहा होता है। अब थोड़ी देर पहले बारिश हो रही होती है और उस फिर कुछ समझ नहीं आता, फौरन ही अचानक सूरज निकल आता है, सन राइज हो जाता है। तो मतलब ये क्या है, ये ना आपका, आप विंडो से बाहर देखेंगे टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड, डे टू डे, वीक टू वीक, जो आपके एटमोस्फेरिक कंडीशन है ये चेंज होते रहते हैं, इसे वेदर कहते हैं। वेदर समझ आ गए, यानी कि आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि आज वेदर सनी है, वेदर क्लाउडी है, वेदर रेनी है, आज एयर ज्यादा हो रही है, आज रेन होने वाली है, तो ये वहाँ का वेदर बन जाता है। अब हम क्लाइमेट को डिस्कस कर लेते हैं, क्लाइमेट क्या है और ये वेदर से किस तरह डिफरेंशिएटेड है। लेकिन जब किसी एरिया का काफी साल वही वेदर है, एक ही जैसा वेदर है, हर साल एक ही आर्डर से चेंज होता रहे, तो हम कहते हैं कि इस इलाके का ये क्लाइमेट है। मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ आज से नहीं, कल से नहीं, 5 साल से नहीं, 50 साल से नहीं, 1000 साल से नहीं, कई हजार साल से यहाँ 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। लेकिन जब आप इक्वेटर पे चले जाएं वहाँ आपको सीजन नहीं मिलते, 4 सीजन नहीं मिलते। जब आप पोल्स पे चले जाएं वहाँ पे आपको सीजन नहीं मिलते। जैसे आप डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट पोजिशन पे जो वेदर हैं वो डिफरेंट है। तो जब ये वेदर कई सौ साल ऑटम सब कॉन्टिनेंट में रहा तो ये डिसाइड हो गया कि जो सब कॉन्टिनेंट है इसका जो क्लाइमेट है वो ऐसा है कि इसमें 4 वेदर होंगे। तो आपको समझ आ गया वेदर टेम्पररी कंडीशन है, अगर वो टेम्पररी कंडीशंस हमेशा ही रहे तो वो उसका क्लाइमेट बन जाता है। अब हम वेदर वेरिएबल्स देख लेते हैं, कौन से वेदर वेरिएबल्स हैं, वो कौन से एटमोस्फेरिक कंडीशन है जो वेदर्स को वेरिएबल करती है, चेंज करती रहती है। सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर कहते हैं हाउ हॉट और हाउ कोल्ड द एटमोस्फेयर इज। एटमोस्फेयर जितना हॉट होगा या कोल्ड होगा उसका उतना टेम्परेचर होगा। जैसे कि पाकिस्तान के जो मुल्तान है वहां गर्मियों में 45 से तक भी टेम्परेचर राइज हो जाता है, हाउ हॉट है। जो आपके मरी है वह माइनस 2 से भी हो जाता है, ये कोल्ड है। मतलब जिस इलाके का जितना टेम्परेचर है, जितना हार्डनेस या कोल्डनेस है उसे टेम्परेचर कहेंगे। जो आपका टेम्परेचर है ये दूसरे एलिमेंट्स पर अफेक्टिवली इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि ये डिसाइड करता है कि किस एरिया की प्रेसिपिटेशन क्या होगी, ह्यूमिडिटी क्या होगी, क्लाउड्स क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा। जो सेकेंड वेरिएबल है वो ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी कहते हैं कि जो एयर है ना, एयर में कितना पानी है, एयर ने कितने वाटर वेपर्स कैरी किए हुए हैं, वो उसकी ह्यूमिडिटी है। जो एरियाज ओशंस के करीब होते हैं तो उनके जो वाटर होते हैं वो ह्यूमिड होते हैं ज्यादा, उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। फिर है प्रेसिपिटेशन, थर्ड वेरिएबल। देखें प्रेसिपिटेशन भी वेदर का वेरिएबल है। अब प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं, देखें प्रेसिपिटेशन जो वाटर वेपर्स हवा में जा चुके होते हैं वो जो वापस आते हैं जमीन पर कंडेंस होकर, इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, ये स्नो होता है, हील्स, स्लीट, ड्रिजल, फोग, मिस्ट और रेन किसी भी सूरत में आ सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो कंडेंस्ड वाटर वेपर किसी भी नीचे से वापस जमीन पर आ गई इसकी प्रेसिपिटेशन होगी। अब देखें वो एरियाज जहाँ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, जहाँ रेन ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका क्लाइमेट डिफरेंट होगा। जहाँ स्नो ज़्यादा है, जहाँ अगर कंडेंस्ड वाटर स्नो में आ रहा है तो उसका मौसम वेदर डिफरेंट होगा। तो ये प्रेसिपिटेशन वेदर वेरिएबल्स है। फिर है एटमोसफेरिक प्रेशर, ये भी वेदर को वेरिएबल करते हैं। देखिए एटमोसफेरिक प्रेशर को पहले आपको समझना पड़ेगा कि एटमोसफेरिक प्रेशर क्या है। देखिए हम कहते हैं प्रेशर हाई है, हम कहते हैं प्रेशर लो है, इसका मतलब क्या, जब भी आप कहते हैं ना प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई का मतलब है कि जो आपकी एयर है वो ठंडी है और वो जमीन की तरफ आ रही है। जब हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, इसका मतलब है एयर हॉट हो चुकी है, एयर हॉट होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल है वो एक्सपेंड हो गए, वो दूर हो गए और प्रेशर लो हो गए। जितने भी साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, जो स्टॉर्म्स वगैरह एयर के बनते हैं, वो सिर्फ प्रेशर लो होने की वजह से बनते हैं। प्रेशर लो होगा वो एयर, वो जो एयर वाटर वेपर्स हैं वो एयर है वो ऊपर एक्सपेंड होकर फिर उधर फ्लो करेंगे उनके रास्ते में जो आएगा बोस उसे वो नहीं बचाने वाली।
फिर अब और फैक्टर है विंड्स। विंड्स किसे कहते हैं? देखिए जो एयर मैसेज है ना उसे विंड कहते हैं। विंड क्यों फ्लो होती हैं, विंड कैसे फ्लो होती है? विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। विंड्स प्रोड्यूस ही क्यों होती हैं, मतलब किसी जगह ये प्रेशर हाई हुआ किसी जगह लो हुआ, ही कैसे हुआ? देखिए जब अर्थ रोटेट कर रही होते हैं ना, अर्थ रोटेट कर रही होती है, जो अर्थ की शेप है वो एक सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है। अर्थ के रोटेट करने की वजह से उसके डिफरेंट अर्थ के रीजन पे डिफरेंट एयर प्रेशर्स क्रिएट हो जाते हैं, एयर का प्रेशर क्रिएट हो जाता है। डिफरेंट एयर प्रेशर की वजह से एयर रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है क्लाउड। क्लाउड भी एक वेरिएबल है। देखें जिन जहाँ क्लाउड्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ का वेदर कुछ और होगा, और जहाँ क्लाउड्स नहीं होंगे तो वहाँ का वेदर कुछ और होगा। वेदर वेरिएबल्स हमने डिस्कस कर ली हैं, अब हम वेदर वेरिएशंस डिस्कस करते हैं। वेदर वेरिएशंस का मतलब है कि वो कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेदर चेंज हो रहा है। सबसे पहले लैटिट्यूड को डिस्कस करेंगे। लैटिट्यूड का आपको मैं समझाऊं कि जो इक्वेटर है ना अर्थ का, इक्वेटर से जितना डिस्टेंस हम ऊपर चलते जाएंगे या नीचे चलते जाएंगे वो उसका लैटिट्यूड होगा। जिस तरह हम लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा उसी तरह उन इलाकों में गर्मी कम होती जाएगी, क्योंकि जो सन रेडिएशन है वह डायरेक्ट नहीं पड़ रही, आपके इक्वेटर पर रेडिएशन डायरेक्ट पड़ रही है। आप जितना ऊपर जाएंगे रेडिएशन कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि जो अफ्रीका का कॉन्गो है सिटी, वहाँ सन रेडिएशन डायरेक्ट पड़ रही है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। फिर आप ऊपर आ जाते हैं पाकिस्तान इंडिया में आ जाते हैं, यहाँ का टेम्परेचर उनसे कम है। लेकिन फिर हम और ऊपर चले जाते हैं, जैसे लैटिट्यूड हमने और कवर कर लिया, वो यूरोपियन कंट्रीज आ जाते हैं, वहाँ टेम्परेचर और कम है। फिर हम उससे और ऊपर चले जाते हैं, पोल आ जाते हैं, नॉर्थ पोल आ जाते हैं। अब जब नॉर्थ पोल आएगा वहाँ टेम्परेचर और कम हो गया, यानी कि लैटिट्यूड बढ़ने की वजह से सन की रेडिएशन डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती है, वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। सेकेंड फैक्टर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं कि सी लेवल से आप कितनी हाइट पे हैं। सी लेवल से आप जितनी हाइट पे होते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब मैं आपको इसके एग्जांपल ये दूं कि देखें जो अगर आप प्लेन अगर आप मुल्तान में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, ये प्लेन्स हैं, तो यहाँ क्या यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन आप पहाड़ों पे चले जाते हैं, चाहे क्वेटा के पहाड़ों या मरी के पहाड़ों माउंटेन्स हो, वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सी लेवल से जैसे डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम सी। पहले था एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड था हाइट फ्रॉम सी, अब है डिस्टेंस, मतलब ये ओशन है इससे कितना दूर है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब जितना डिस्टेंस सी से बढ़ता जाएगा उतना आपके जो टेम्परेचर वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी बात की मैं एग्जांपल यूं दूंगा, देखें जो कोस्ट पर होते हैं ना, जो ओशंस के ऊपर एरियाज हैं या कंट्रीज हैं, उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत कम होते हैं। मतलब अब जो आइलैंड है, श्रीलंका और मालदीव आइलैंड है ना, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है चाहे विंटर है चाहे समर है, जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है वो 32°C मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे हम इनसे दूर चले जाएं, जो दूर कंट्रीज हैं उनके टेम्परेचर एक चेंज हो जाता है। एक और फैक्टर है विंड्स। विंड्स की जब बात होती है तो दो तरह के विंड्स होते हैं, एक ऑनशोर विंड्स होते हैं, एक हम ऑफशोर विंड्स कहते हैं। ऑनशोर विंड्स वो कहती हैं जो ओशन से लैंड्स की तरफ आती हैं, ये मॉइस्चर और वेट होती हैं, ये इतने डेंजरस भी नहीं होती। जो सेकंड ऑफशोर विंड्स होती हैं वो विंड्स होती हैं जो लैंड टू ओशंस मूव करती हैं। ये ड्राई एयर होती है और स्किन के लिए बहुत प्रॉब्लम काज कर देती हैं। तो जो विंड्स होती हैं, जब भी पाकिस्तान में हम कहते हैं मूनसून रीजन स्टार्ट हो रहा है, रीजन क्या है? वो ऑनशोर विंड्स होती हैं, वो समंदर से ओशन से आ रही होती हैं, उनमें मॉइस्चर होती है, वो यहाँ आके बारिश रेनफॉल करते हैं। तो मतलब वो जहाँ ऑनशोर विंड्स जहाँ पहुंचती हैं तो वहां ज्यादा रेन्स होंगी, ज्यादा रेन्स तो वैसे क्लाइमेट की इंडिकेशन है। नेक्स्ट है क्लाउड कवर। क्लाउड कवर किसे कहते हैं? क्लाउड का कवर एक्चुअली नहीं, क्लाउड है। देखें क्लाउड का भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत इंपैक्ट है। देखें क्लाउड क्या कहते हैं? क्लाउड अगर है, अगर जमीन से रेडिएशन जाने लगे तो क्लाउड हिंडर करेगा, उसे जाने नहीं देगा। अगर सन की रेडिएशन आ रही है तो क्लाउड फिर एंटर करेगा, उसे प्रॉपर आने नहीं देगा, यानी कि ये हिंड्रेंस करते हैं। अब जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ क्लाउड का कंसेप्ट नहीं होता, बहुत कम होता है। अब नतीजा क्या है? क्लाउड्स हैं नहीं, सन की रेडिएशन डायरेक्ट सैंड पे पड़ रही है, डेजर्ट पे पड़ रही है, उनकट पे बहुत बढ़ जाते हैं। और जब रात का वक्त है फिर क्लाउड नहीं है, रेडिएशन को कंट्रोल करने वाला कोई क्लाउड है ही नहीं, तो फिर जिसकी वजह से रेडिएशन फौरन रेडिएट हो जाते हैं और फिर वो फिर रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। तो मतलब क्लाउड का भी वेदर डिटर्मिनेशन में बहुत बड़ा रोल है। फिर है ओशन करंट्स। देखिए ओशन करंट्स को हम समझते हैं क्या है। अगर आप कभी ओशंस को देखें ना, ओशन की कुछ लहरें
ऐसे जा रही हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ अपने ही औरत की तरह और ऐसे उल्टे सीधे जाल बना रही होती हैं, कुछ समझ नहीं आता कौन किधर जा रहा है। तो अब जो ओशन करंट्स हैं ये प्रोड्यूस क्यों होते हैं? देखिए टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपको पता है एयर प्रेशर तो डिफरेंट ही होता है ना हर जगह एरिया वाइज, तो डिफरेंट एयर करंट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एयर करंट्स प्रोड्यूस होने की मेन रीजन ये है कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है और वाटर की डेंसिटी डिफरेंट है, एयर करंट्स उनको इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो वार्मर ओशंस हैं, जो गर्म ओशंस हैं, गर्म पानी है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है। जो क्लोड जो कोल्ड ओशंस हैं वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह वहाँ का जो एरिया मोस्टी एंड फोगी रहता है, लेकिन बारिश नहीं होती है। किसी का एरिया फोगी है, किसी का एरिया रेनी है, ये एक्चुअली वेदर ही है ना। तो देखें ये जो ओशन करंट्स हैं ये आपको वेदर डिटर्मिन कर रहे हैं। फिर है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, ये भी वेदर डिटरमिन करते हैं। मैं एग्जांपल ही देता हूँ, जो हिमालयन है ना, हिमालय से पहले इस साइड हम रहते हैं साउथ एशियन कंट्रीज, और हिमालय की दूसरी साइड रहते हैं सेंट्रल एशियन, मतलब चाइना, ये जो अजबिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये वाली सारी रियासतें रहती हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो यहाँ गर्मियों में यहाँ की जो गर्म हवाएं हैं ये जब जाने लगती हैं, जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो बैरियर है, वो सेंट्रल एशिया की तरफ आने नहीं देते, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सर्दियाँ रहती हैं। और अब जब सर्दियों का मौसम होता है वहाँ से ठंडी हवाएं हमारे साउथ एशिया में आने लगते हैं, लेकिन फिर वो हिमालय माउंटेन है वो उन्हें फिर नहीं आने देते, जिसकी वजह से जो हमारे साउथ एशिया में ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो डायरेक्शन ऑफ माउंटेन भी अहम है। लास्ट नॉट लीस्ट मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, सॉइल नेचर। जो आपकी सॉइल है, कुछ सॉइल इस तरह के होंगे वो जो रेडिएशन है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो वहाँ का अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं करती, फॉर एग्जांपल देखें अर्थ में कोई सैंडी है, कोई स्टोनी है, कोई ब्लैक क्ले सोल है, तो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वेदर भी डिफरेंट हो जाता है। जो आपका ब्लैक क्ले है उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। देखें नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उन्हें डिस्कस करने लगे, जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी है। एट द एंड में आपको ये कहूँगा, देखें अगर आप CSS PMS करना चाह रहे हो, डिफरेंट CSS की अकेडमीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सिंपल हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको आई होप बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आबाद रखे, और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।